my dear students, myself Rajeshwari. Dear students, today we'll do harmony, EVS. And EVS we were doing chapter 10, year chal raha tha hamara. So today we'll continue page number 214. एयर फॉर लाइफ एंड बर्निंग, जो एयर का यूज़ है हमारी लाइफ में और बर्निंग में, आग के जलाने में, तो वो हम आज पढ़ेंगे. देखिए, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर. बच्चों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, सुनिएगा कि लाइफ, हमारा जीवन ही संभव नहीं है किसके बिना, विदाउट एयर, हवा के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. एयर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. क्यों? वी ब्रीथ डे एंड नाइट, हम दिन और रात, एवरी मोमेंट वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं. वो किसके हेल्प से? एयर के प्रेजेंस से ही हम ब्रीदिंग कर सकते हैं. दस वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो इसलिए हम एयर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. अब देखिए, लेट अस परफॉर्म सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स. कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए यहाँ पे, थ्री एक्सपेरिमेंट्स, हम इनको जानेंगे. फर्स्ट देखिएगा, क्लोज योर लिप्स. तो बच्चों, आप लोग मेरे साथ ये करोगे, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे. क्लोज योर लिप्स, आप अपने होठों को बंद करें, एंड नोज, और अपनी नोज को भी अपने हैंड से, उंगलियों से दबा के बंद करें. नाउ होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ मोमेंट, और अपने सांस को एक पल के लिए रोक के देखें आप. यू स्टॉप ब्रीदिंग, यू फील वेरी अनइजी. और आप देखो कि जब आप ये एक्टिविटी करोगे, जब आपने अपने लिप्स को, यानी मुंह को और नाक को बंद कर लिया, एंड यू हैव स्टॉप्ड ब्रीथिंग, आपने एक मोमेंट के लिए ब्रीथ को स्टॉप किया, देन व्हाट यू फील? यू फील वेरी अनइजी, आपको बहुत अनइजी लग रहा है, यानी कि यू आर नॉट फीलिंग ईजी, आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा. यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल. वाई, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? आप अनइजी क्यों हो रहे हो लिप्स और नोज को पकड़ते ही, बंद करते ही? इट इज़ बिकॉज, क्योंकि बच्चों, यू डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ इन. आपके जो है ना, लिप्स और नोज बंद है, तो आपको क्या नहीं मिल रही? एयर नहीं मिल रही. किस लिए? ब्रीथ, सांस लेने के लिए. यानी आपके मुंह में हवा नहीं जा रही सांस लेने के लिए. सो यू आर फीलिंग अनइजी, तो आपको अनइजी फील हो रहा है. तो यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रीथिंग सिस्टम में लाइफ के लिए एयर जो है उसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिएगा, When we keep a rat in a jar, second experiment देखिए, एक rat के साथ किया हुआ है, दो jar रखे हुए. When we keep a rat in a jar, हमने एक jar में rat को बंद कर दिया. With its lid having holes, लेकिन जो इसकी lid है, जो इसका cover है, इस पर holes, छोटे छोटे छेद हैं. The rat gets air to breathe, और rat को उस hole से क्या मिल रही है? Air मिल रही है सांस लेने के लिए, breathing करने के लिए उसको air मिल रही है. It will live, वो जिंदा रह सकता है उस एयर से. बट लेकिन इफ़ वी कीप द रेट इन अ टाइटली क्लोज जार, अगर हम ऐसे कोई टाइट जार की लीड बंद कर दें और उसमें डाल दें, टाइटली क्लोज जार विथ इट्स लीड हैविंग नो होल्स, जिसमें कि लीड में होल ना हो, यानी कि एयर कहीं से भी उस जार में जा नहीं सके, द रेट विल गेट डाई वेरी सून, और जल्दी ही रेट क्या, चूहा क्या है, मर जाएगा. इट विल डाई, क्यों मर जाएगा? वाई हिल डाई? इट इज़ बिकॉज, क्योंकि द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ, क्योंकि एयर की सप्लाई बंद हो गई जार में, तो वो डेड हो जाएगा. रेड डाइज, और रेड लाइफ कैसे रहेगा? जब उसमें होल है, या एनी वे अगर उसमें हवा पहुँच रही है तो ही विल लीव, अगर उसमें एयर एबसेंट है तो ही विल डाई. यानी कि एयर इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ सी, अब देखिए, हमने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की लाइफ के लिए एयर का प्रेजेंस देखा ब्रीथिंग सिस्टम में. अब बच्चों, आपको पता है कि प्लांट्स को भी एयर की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए. देखिए आप, इन जार वन में होल है और एक प्लांट रखा हुआ है, और जार टू में देखिए, इन जार वन प्लांट जो है फ्रेश लग रहा है. क्यों लग रहा है फ्रेश? क्योंकि उसके अंदर, उसकी लीड पे जो है, सेम रेट की जो जार है उसी तरह से. देखिए, जार वन में होल्स है, होल्स है तो एयर सप्लाई जो है चालू है, तो द प्लांट इज लाइव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर इन इट, इसके अंदर एयर है. और देखिए, जार टू में ये पौधा मुरझाया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ डेड ना, तो द प्लांट इज डेड. बिकॉज, किस लिए डेड? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं है इसकी वजह से ये प्लांट डेड है. क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ एयर हेल्प्स बर्निंग. इसके अलावा बच्चों, आपने ये तो देखा कि ब्रीदिंग सिस्टम में एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स के ब्रीदिंग सिस्टम में एयर का होना ज़रूरी है,
अब हम ये देखेंगे कि एयर जो है आग के जलने में, आग जलाने में भी एयर का प्रेजेंस जरूरी होता है बच्चों। अगर किसी भी जगह पे एयर नहीं है वहाँ बर्निंग पॉसिबल नहीं है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। टेक अ ग्लास, आप एक ग्लास लो एंड फिक्स अ कैंडल एट इट्स बेस, और उसके बेस में आप एक कैंडल रख दो बच्चों। लाइट द कैंडल, उस कैंडल को जला दीजिए। इट कीप्स बर्निंग, वो जलती रहेगी। ग्लास के अंदर हमने एक कैंडल डाली, उसको हमने फायर किया यानी कि उसको लाइट जलाया। नाउ कवर द ग्लास विथ अ लीड, जब हमने कवर नहीं किया तब तक वो कैंडल जलती रहेगी। अब आप क्या करो, जलती हुई कैंडल के ऊपर आप ग्लास के ऊपर कवर रखो, आप एक लीड रख दो। आफ्टर सम टाइम, नेक्स्ट पेज, आफ्टर सम टाइम वी सी दैट, हम कुछ समय बाद क्या देखेंगे, द कैंडल इन द ग्लास स्टॉप्स बर्निंग, और कुछ समय के बाद वो कैंडल बुझ जाएगी। इट विल स्टॉप बर्निंग, वो जलना रुक जाएगी। वाई, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग बिकॉज, क्योंकि आफ्टर सम टाइम नो एयर इज लेफ्ट इन साइड द ग्लास, क्योंकि कुछ समय बाद एयर नहीं रहेगी उस ग्लास के अंदर, क्योंकि उसको हमने ऊपर से उस पर लीड रख दी, कवर कर दिया। तो एयर के ना होने से क्या होगा, कैंडल जो है वो बर्न करना बंद कर देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कि एयर हमारी लाइफ में बर्निंग में हेल्प करती है। हेल्प क्या करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, विदाउट एयर इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखिए अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर के, एयर इज़ ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ होती है। एयर हैज़ नो कलर, एयर का कोई कलर नहीं होता। वी फील एयर व्हेन इट मूव्स, और हमें एयर महसूस कब होती है, जब वो मूव करती है। When air moves very fast, जब हवा बहुत तेज चलती है, it is called wind, तब हम इसको किस नाम से बोलते हैं, wind, wind, wind. Air occupies space, air जो है space घेरती है यानी जगह घेरती है, and has weight, और उसमें weight भी होता है। Next is we need air to breathe, हमें air breathing के लिए ज़रूरत होती है। Animals and plant also need air to breathe, और animals और प्लांट्स भी सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग ऑल्सो, एयर बर्निंग के लिए भी एयर का प्रेजेंट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर आप एक बार पेरेंट्स की हेल्प से रीड करोगे। थैंक यू।